आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं या जुड़ पा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग कैमरा ऑन रखेंगे परमानेंटली, और माइक भी, आप अगर कोई डिस्टर्बेंस आएगा तो मैं बता दूंगा, माइक भी ऑन रख सकते हैं। ठीक है, जीएसटी की कुछ एंट्रीज बची हुई थी जिन्हें हम शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले उन्हें डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में जो जीएसटी का कल 26 एक चैप्टर मैंने आपको अलग से भेजा था उसे डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स पे हम उसके बाद में जाएंगे। ठीक है, हमें न्यूमेरिकल्स अभी करने हैं। शताक्षी ने एक न्यूमेरिकल जो मैंने कल क्वेश्चन नंबर 17 भेजा था उसे कर भी लिया है, बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने भेजा भी है उसका सोल्यूशन, लेकिन अभी हम उसे डिस्कस करें। ठीक है, सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जो एंट्रीज बची रह गई थी उन्हें हम पहले पूरा करेंगे और उसके बाद में हम जीएसटी के बेस को समझ लेंगे। देखिए, मैंने आपको जो एंट्री जीएसटी की अभी तक बताई थी वो अलग अलग परिस्थितियों में थी। एक क्विक रिवीजन पहले हम उन एंट्रीज का कर लेते हैं और उसके बाद में फिर हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर माल जब आप क्रय करते हैं तो जनरली तो आपको ये पता ही है कि माल का जब भी क्रय किया जाएगा तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, और अगर नकद खरीदते हैं तो कैश अकाउंट, अगर चेक से खरीदते हैं तो बैंक अकाउंट, और अगर तो क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट क्रेडिट होता है। लेकिन इन दोनों डेबिट और क्रेडिट होने वाले अकाउंट के बीच में जीएसटी आ गया है, तो ये जो जीएसटी आया है ये दो हिस्सों में बटा होगा। अगर टोटल जीएसटी की रेट 12% हो तो सीजीएसटी जो होगी वो 6% और एसजीएसटी 6% होगा। सीजीएसटी सेंटर को जाने वाले जीएसटी को रिप्रेजेंट करता है, सेंट्रल सीजीएसटी और स्टेट जीएसटी, सॉरी सीजीएसटी का मतलब होगा सेंट्रल जीएसटी और एस का एसजीएसटी का मतलब होगा स्टेट जीएसटी। ओके, तो इनमें इनपुट इसलिए लग रहा है क्योंकि जब भी आप कोई पेमेंट कर रहे होंगे, चाहे वो माल के खरीदने पर हो, चाहे असेट के खरीदने पर हो, चाहे वो एक्सपेंस कोई कर रहे हो आप, तो वहां पर इनपुट होता है। इनपुट का मतलब है कि आप जो है जीएसटी इतनी पे कर रहे हैं स्वयं। ठीक, और जब भी आप माल बेचते हैं तो या कोई इनकम अगर आप प्राप्त कर रहे होते हैं तो आप दरअसल जीएसटी किसी दूसरे से सरकार के लिए कलेक्ट कर रहे होते हैं। मतलब यह है कि वो जो जीएसटी आप एक्स्ट्रा लेते हैं, 10,000 का माल अगर बेचा आपने, ठीक है, 10,000 का माल बेचने पर एंट्री नंबर 4 देख लीजिएगा, 10,000 का माल अगर आप बेचते हैं, मान लेते हैं, तो आपको इसमें 10,000 ही मिलेंगे सेल्स के। ठीक, उस पर जो जीएसटी लगेगी, एसजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी लगेगी, ये जो एडिशनल लगेगा, जो आपको एडिशनल मिलेगा, ये आपका अपना नहीं है, ये आप सरकार के लिए ले रहे हैं और आप सरकार को ही पेमेंट करेंगे इसका। ठीक, सिमिलरली जो ऊपर जब आप माल खरीदते हैं तो आप परचेज जो करते हैं उसके अलावा जो इनपुट और इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आप दे रहे हैं, ये भी उस व्यक्ति को नहीं दे रहे, ये भी वह आपसे सरकार के लिए ही ले रहे हैं। तो एक बात ध्यान से सुनिएगा, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी ये आपके लिए एक तरह की असेट के जैसे है। क्या है ये? असेट। अगर इनका नेचर पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे? ये आपके लिए असेट की तरह है। और आउटपुट जीएसटी जो होगा, चाहे वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, ये आपके लिए एक तरह की लायबिलिटी। ठीक, ओके, जो आपने ये एंट्रीज पढ़ी है इसमें परचेजेस करेंगे तो अगर राज्य के भीतर हो रहा है तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, और अगर अलग अलग राज्यों के बीच के व्यापारियों के मध्य कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसमें आईजीएसटी लगता है, यानी कि इनपुट आईजीएसटी रहेगा और ये टोटल 12% से रहेगा। क्वेश्चन में अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर क्वेश्चन में सीजीएसटी 6% एसजीएसटी 6% लिखा हुआ है तो आप क्वेश्चन में अगर साफ साफ लिखा हुआ है तो 6% सीजीएसटी को लगा देंगे, 6% ही एसजीएसटी को लगा देंगे, उसको आधा आधा मत करने लगेगा। ठीक है, अगर साफ साफ लिखा है कि सीजीएसटी 6% एसजीएसटी 6% तो वही करेंगे, और अगर लिखा है जीएसटी की रेट 12% है, इसका मतलब है कि सीजीएसटी एसजीएसटी में वो 12% डिवाइड होकर 6-6%। ठीक है, तो अभी आपने ये क्रय वाला समझ लिया होगा। क्रय के समय आप परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट के अलावा इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी को भी जो भी रेट दी गई होगी उसके आधार पर डेबिट करेंगे। क्रेडिटर्स से
आप उतना ही उसको पेमेंट करेंगे जितना कि परचेजेस परचेज किए गए माल की कीमत है और उस पर प्लस सीजीएसटी और एसजीएसटी की वैल्यू निकल के आएगी। क्रय वापसी करेंगे तो जितना आपने किया है खरीदा था उसका जितना भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट आप वापस कर रहे हैं उसमें उतना ही इनपुट सीजीएसटी या इनपुट इनपुट एसजीएसटी रिवर्स हो जाएगा प्रोपोर्शनेटली। मान लिया 1000 का माल खरीदा था 200 का कर रहे हैं तो वो 5% रिटर्न हो रहा है तो 5% कह लीजिए इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, और ये तो क्लियर ही है कि अलग राज्य में होने पर यहाँ पर आईजीएसटी लगेगा। वे होने पर भी सेम चीज है, जितने का वे होगा उस पर दी गई दर से सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे, पेमेंट करेंगे। या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंसेस पे पर लिखा हुआ है, इसकी जगह पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अंतर्राज्यीय होने पर आईजीएसटी लगेगा। माल बेचने पर मैंने आपको बताया ही है कि आपको जो कैश मिलेगा उसमें एक तो सेल्स किए गए माल की कीमत होगी प्लस उसमें जो सीजीएसटी या एसजीएसटी होगा। अगर आपको कैश नहीं मिल रहा है चेक मिले या हो सकता है कि उधार होगा तो डेटर्स पर्सनल अकाउंट इन तीनों के जोड़ से आप करेंगे। ठीक है, दूसरे राज्य में होने पर आउटपुट आईजीएसटी लगेगा। माल वापस करेंगे तो जैसे परचेजेस में आपने प्रोपोर्शनेटली इनपुट सीजीएसटी को रिवर्स किया था ऐसे ही सेल्स रिटर्न के केस में आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को आप रिवर्स करते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है यहाँ तक सभी को? जो बच्चे नहीं अभी तक पढ़ पाए थे अमूल्या खासतौर से, तो ये आपके लिए काम का है, इसे आप बहुत ध्यान से सुने। अमूल्या, अभी तक जो मैंने बोला है क्या आप उसे कुछ समझ पाए हैं? क्या उसमें अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ये मत सोचिएगा कि आप नहीं समझ पाए हैं तो कोई आपको कमतर मानेगा। आप बिल्कुल पूछिए, अभी आप लाइव क्लास पहले अटेंड नहीं कर पाए थे तो अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप पूछेंगे बगैर किसी संकोच के। कोई एंट्री आपको ऐसे ही तो नहीं समझ पाई? सारी चीजें अभी तक समझ में आई जितनी बताई गई? चलिए ठीक है। अभी अगर कोई इनकम आपको होती है, जैसे मान लिया आपने इनकम कोई भी हो सकती है, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, एनी आइटम, तो वो इनकम जितने की होगी उतने से वो इनकम आप क्रेडिट करेंगे। उस पर जीएसटी की जो रेट होंगी उसमें सीजीएसटी की जितनी दर होगी और एसजीएसटी की जितनी दर होगी उनके साथ हम आउटपुट एक शब्द अलग से लगा करके, जैसे आप सेल्स में लगा रहे थे क्योंकि मैंने आपको बताया ना सेल्स में प्रॉफिट्स में या जब भी कभी इनकम हो रही थी तो वहां आउटपुट जीएसटी हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि इस इनकम पर हमें सरकार को टैक्स देना है, ये बाहर जाएगा, ये वो सीजीएसटी है जो बाहर जाएगा। ठीक है, आउट माने बाहर जाना होता है। ठीक, अंतर्राज्यीय होने पर वो भी जो भी इनकम होगी अगर किसी दूसरे राज्य से मिल रही है तो उसे हम आउटपुट आईजीएसटी करके दिखाते हैं। जो मिलेगा वो कैश में चेक से मिलेगा तो बैंक में, अगर किसी व्यक्ति से भी मिला अगर नहीं है तो एक्रूड इनकम करके यहाँ आएगा, तो यहाँ इनकम रिसीवेबल दिख रहा है, एक्रूड इनकम होगा। ठीक है, चलिए संपत्ति क्रय करने पर आप क्या करेंगे? सेम एंट्री जो एक्सपेंसेस पे हो रही थी, संपत्ति जितने की है उतने से यहाँ पर हो जाएगी क्या ये डेबिट हो जाएगी, उस पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, और नकद है तो फिर बैंक अकाउंट, और अगर उधार खरीद रहे तो विंडोज पर्सनल अकाउंट आएगा। इसी तरह से दूसरे राज्य में उन्हें पर आईजीएसटी लग जाएगा। स्वामी द्वारा निजी माल निजी प्रयोग के लिए अगर माल लिया जाता है तो हमेशा परचेजेस अकाउंट आता है, धन लिखेगा, इस पर सीजीएसटी एसजीएसटी वैसे ही लगेगा जैसे बाकी एक्सपेंसेस पे लगता था, हम इसे ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट करेंगे। ठीक है, दूसरे माल से अगर कोई दूसरे राज्य से अगर कोई माल खरीदा गया था और उसे अगर व्यापारी अपने उपयोग में लेता है तो उस पर आईजीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। इसके बाद में बात आती है नमूने के लिए अगर माल भेजा दिया गया हो तो आप ऊपर केवल डेबिट का आइटम बदलेंगे, इसे हम बोलेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। बाकी परचेजेस अकाउंट इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि उतने से माल जो आपने बिजनेस के लिए खरीदा था वो नमूने में चला गया, एडवर्टीजमेंट में चला गया। बिजनेस के लिए मतलब बेचने के लिए जो माल खरीदा था उसमें से कुछ हिस्सा अगर व्यापारी ने ड्राइंग्स के रूप में ले लिया, कुछ हिस्सा अगर नमूने के तौर पे ले लिया, अगर दान में दे दिया, तो इन सब केसेस में परचेजेस अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है उतने से। उनके साथ साथ सीजीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी जैसा भी केस होगा, राज्य के भीतर वाला तो सीजीएसटी एसजीएसटी, राज्य के बाहर तो आईजीएसटी। ठीक है ना, दान में भी यही होगा। माल अगर नष्ट हो जाता है अग्नि से तो भी आपने कल पढ़ा था कि लॉस ऑफ गुड्स बाई फायर डेबिट होगा,
और परचेजेस, जितने का भी माल नष्ट हो गया है उतने से परचेजेस अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो जाता है, उस पर सीजीएसटी एसजीएसटी जो लगा हुआ था इनपुट वाला वो रिवर्स हो जाता है। इन सभी में रिवर्स का ही हो रहा है, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी सारे केसेस में, चाहे माल नष्ट हो जाए, चाहे डोनेशन के तौर पर दिया जाए, चाहे ड्राइंग्स के तौर पर लिया जाए, चाहे सैंपल के तौर पर दिया जाए, इन सारे केसेस में इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी या इनपुट आईजीएसटी ये रिवर्स होता है। यहाँ आउटपुट कभी नहीं लगता, सेल्स में आउटपुट जीएसटी सीजीएसटी लगेगा, लेकिन इन केसेस में जहाँ परचेजेस को यूज कर रहे हैं यहाँ पे हमेशा लगेगा इनपुट सीजीएसटी, यानी कि इनपुट जो था उसी को आप रिवर्स करते हैं। अब हम बात करेंगे अगर माल आपने किसी से कुछ खरीदा है और किसी कारण से उस पर कोई छूट आपको मिल जाती है। छूट का मतलब ये होता है कि जब भी आप माल खरीदते हैं, मान लिया आपने किसी व्यापारी से 10,000 का माल खरीदा था, उस पर कुछ आपने जीएसटी वगैरह लगाई, ठीक, तो जब भी आप माल खरीदते हैं जीएसटी वगैरह लगाते हैं तो उस केस में आप ये पाएंगे कि उस केस में आप ये पाएंगे कि अक्सर ऐसा होता है कि आप उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इतना पैसा हमें देना है, हमें कुछ छूट मिल जाए अगर, ठीक है। जैसे दुकान पे आप जाते हैं ना माल खरीदते हैं, फिर कहते हैं कि कुछ कम ले लीजिए, इस तरह से रिक्वेस्टिंग मैनर में आप बात करते हैं, तो व्यापारी भी करते हैं। मान लिया किसी व्यापारी ने उसकी बात रखते हुए कहा कि ठीक है आप इतना पैसा मत दीजिएगा, तो जो पैसा आप नहीं देंगे वो आपके लिए कहलाएगा रिबेट। क्या कहलाएगा? रिबेट, यानी छूट। और ये रिबेट आपको मिल रही है, आप क्रेता थे आपको मिल रही है, तो ये आपके लिए एक तरह की इनकम है। मान लिया किसी को 11,000 रुपए देने थे और आपके उसमें अगर 500 छूट गए हैं, तो ये 500 रुपए एक तरह की इनकम है, क्योंकि ये व्यय जो 11,000 का होना था उसकी जगह केवल 10,500 का व्यय करा रहा है, तो 500 रुपए की बचत हो गई ना, दैट इज अ काइंड ऑफ इनकम। और इनकम हमेशा होते हैं क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ काइंड ऑफ इनकम, रिबेट रिसीव्ड इज अ काइंड ऑफ इनकम, इट इज टू बी क्रेडिटेड, यस आर नो। मगर ध्यान रखिएगा, इनकम है जरूर लेकिन ठीक ठीक इनकम नहीं है, इनकम जैसी है। इनकम जब कभी होती है तो वहां पर आउटपुट सीजीएसटी या आउटपुट एसजीएसटी लगता है, लेकिन ये इनकम नहीं है तो छूट है, जो आपने खर्चा किया था ज्यादा था उस खर्चे में कुछ कमी है। इनकम होने में और खर्चे में कमी होने में बस यही अंतर है कि जो पैसा आपने उसको देना था क्रेडिटर को, तो आपने जब क्रेडिटर को क्रेडिट किया होगा 11,000 से, मेरी बात सुनिएगा, ठीक है, तो उस समय इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी भी उतने से ही उसी अनुपात में आपने डेबिट की होगी। लेकिन अब जब आपको 500 रुपये छोड़ रहा है तो आप उस क्रेडिटर को 500 से डेबिट करेंगे, क्योंकि जब वो आप देखेंगे आप उसको उसके अकाउंट को, तो उसका अकाउंट 11,000 से क्रेडिटेड है, वो 500 रुपए छोड़ने की बात कर रहा है, तो आप उसे जब 500 से डेबिट कर देंगे तभी तो वो 10,500 से क्रेडिट रह जाएगा, यानी कि उसके प्रति आपकी जो लायबिलिटी रहेगी वो 10,500 रहेगी। तो ये रिवर्स एंट्री है जब हम क्रेडिटर को 500 से कम करते हैं, और क्रेडिटर लायबिलिटी उसे कम करने के लिए डेबिट करना होता है, तो हमने क्रेडिटर को 500 से अगर डेबिट किया तो उससे रिलेटेड जो हमारी इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी थी प्रोपोर्शनेट, वह भी यहाँ पर रिवर्स होगी। जैसे माल रिटर्न करने के केस में होता था वैसे ही यहाँ पर होगा। तो आप 500 का जो भी जीएसटी की रेट हमारी चल रही थी उसके अनुरूप सीजीएसटी एसजीएसटी में उसी को अप्लाई करके निकाल लेंगे, और रिबेट जितने की होगी वो 500 पे चढ़ेगी, ठीक है। क्रेडिटर्स जो होंगे वो प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी मिला करके डेबिट होंगे, यानी कि रिबेट रिसीव्ड 500 होगा, उस पर जीएसटी एसजीएसटी मान लिया 10% लगती है, तो जितना भी होगा 50-50 मिला करके क्रेडिटर 600 से हो जाएगी, ठीक है। दूसरे राज्य का अगर क्रेडिटर रहा है आपका तो वहां पर इनपुट आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने माल बेचा था, मान लेते हैं, और आपने अगर माल बेचा होगा तो आप अगर किसी को रिबेट अलाउ करेंगे तो ये आपके लिए एक तरह का खर्चा है, खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं। इन पर आउटपुट सीजीएसटी जो आपने कलेक्ट की थी वो रिटर्न करनी पड़ेगी उसे, तो उतना ही उसी पर रेट पर भी सीजीएसटी की है एसजीएसटी की वो अप्लाई करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी रिवर्स करेंगे, और डेटर्स का अकाउंट जितने से वो डेबिट हुआ था इन टोटल, जितने रिबेट हम दे रहे हैं प्लस जीएसटी मिला करके उस पर खाता हम उतने से क्रेडिट कर देंगे। इस तरह से डेटर का बैलेंस जो है रिबेट प्लस जीएसटी से कम हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है यहाँ तक? अब इसके आगे जो एंट्रीज हैं उन्हें हम बताएंगे, लेकिन जो अभी तक बोला है अगर इसमें आप में से किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ।
देखिए इसमें पूछने में अगर संकोच करेंगे तो सीखना कठिन हो जाएगा आपके लिए, ये ध्यान रखिएगा। पूछने में प्लीज कोई संकोच न करें। सर ये रिसीव्ड वाले फिर से बता दीजिए एक बार। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर लीजिए। सर रिबेट रिसीव्ड वाला फिर से बता दीजिए 12 नंबर। सर देखिए अभी मैंने आप लोगों की अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लिया है, लेकिन अगर इसके बाद कोई बच्चा जुड़ता है तो प्लीज वो अपना स्क्रीनशॉट स्वयं ले ले, ठीक है, और वो मुझे भेज दे। ओके, वैसे कल से एक थोड़ा सा और कोशिश करेंगे, स्क्रीनशॉट आप अपने आप ले लिया करें, अपना अपना फोटो, आपका चेहरा भी दिखना चाहिए उसमें, और उसको आप ग्रुप पर सेंड कर दिया करेंगे, मेरी लाइव क्लास हो तो, ठीक है। और हर मीटिंग में जिस 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 दिन लाइव क्लास होती है अपना स्क्रीनशॉट लेंगे और ग्रुप में सभी लोग भेजेंगे अटेंडेंस के तौर पर। जैसे आप अटेंडेंस में अपना नाम लिखते हैं वैसे ही लाइव क्लास में जब आप जुड़ेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस उसे भेज दीजिए। आपको अलग से अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप सबके नंबर सेव हैं तो आपके स्क्रीनशॉट से ही पता चल जाएगा। वैसे शक्ल भी आपकी सबकी पता हो चुकी है मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी पहचानने में, ठीक है। रिपीट की बात करी है, थोड़ा सा बता देते हैं, रिपीट एक बार और। हाँ देखिए रिबेट दो तरह की है, एक तो वो रिबेट है जो आपको मिलती है जब आप अपने क्रेडिटर से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई कुछ छोड़ दीजिए, कुछ छूट कर दीजिए, ठीक है। ये उस तरह की डिस्काउंट नहीं है बच्चों, ध्यान रखिएगा, जो ट्रेड डिस्काउंट हुआ करती थी या कैश डिस्काउंट हुआ करती थी। अभी ये बताया है या नहीं बताया, कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट बता चुके हैं, बता दिया सर। हाँ बता चुके हैं, लेकिन रिबेट आपने अभी तक नहीं सुना था। पर रिबेट का मतलब कि फाइनल जो कुछ भी डिस्काउंट हो चुका है उसके बाद भी आप उससे कहते हैं, जैसे होता है ना कि पहले आपने आप गए दुकान पे, आपने खूब बार्गेनिंग कर ली और फिर उसने कहा कि बिल बना है 937 का, तो आप कहते हैं 900 रुपये दे रहे हैं, तो कहता है पहले ही आप डिस्काउंट कर चुके हो, करा चुके हो, और फिर 37 रुपये छोड़ने में दिक्कत होगी, लेकिन आप उसे कहते हैं तब कभी वो मान भी जाता है, तो वो एक तरह की रिबेट है, ठीक है। ये आपको मिल रही है, तो ये मिल रही है तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो या रिबेट रिसीव्ड हो ये हमेशा क्रेडिट होगी। जितना भी ये मिल रही है, मान लिया ये 1,000 रुपये मिल रही है और उस पे CGST SGST की रेट 6% है, तो 1,000 रुपये आप 6-6% अप्लाई कर दीजिए, कितना कितना आएगा, 60-60 रुपये आएगा, 120 टोटल हो जाएगा, है ना। तो 1,000 प्लस 120 क्रेडिटर को आप डेबिट करेंगे कितने से, 1,120 से। कोई समस्या है इसमें, इस एंट्री को समझने में कोई समस्या किसी। अच्छा मान लेते हैं कि ये दूसरे राज्य का आपका क्रेडिटर होता तो आप पूरा का पूरा 12% IGST एक साथ लगा देते, रिबेट रिसीट 1,000 रुपये, इनपुट IGST 120 12% के रेट से, और क्रेडिटर्स डेबिट हो जाता 1,120। कोई समस्या। अच्छा यही मान लिया आपसे किसी ने कहा कि आप उसे छूट दे दो 37 रुपये की, या जो भी एडिशनल अमाउंट है, जो एक होता ना कि एक पूरी पूरी रकम से कुछ एक्स्ट्रा होता है, मान लिया कहीं 1,111 आए तो कहता है कि 1,100 ले लीजिए, 11 छोड़ दीजिए, छोड़ दिया आपने 11 मान लिया, ऐसा ही कुछ छूट गया, मान लेते हैं वो 100 रुपये छूटा तो रिबेट अलाउड 100 रुपये हो गया, उस पर रेट मान लिया 6-6% है तो 6-6 रुपये CGST SGST में चला गया, तो टेटर्स अकाउंट कितने से आएगा, 100 रुपये की छूट थी ना, तो 112 से टेटर्स आपका क्रेडिट हो जाएगा। यही डेटर अगर मान लेते हैं दूसरे राज्य का होगा तो रिबेट अलाउड 100 रुपये, आउटपुट IGST 12 रुपये, और डेटर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 112 से। बताइए क्लियर यस सर आ गया। है, बाकी बच्चों को आ गया समझ में या नहीं आया। यस सर आ गया। यस सर। देखिए बच्चों अगर क्लास में कोई एक बार पूछता है तो लोग उसे मानते हैं कि अरे बताओ ये भी नहीं समझ में आया, कभी कभी लोग हंसते भी हैं मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अगर क्लास में कोई व्यक्ति एक बार इस तरह से मूर्ख सिद्ध होता है कि वो पूछता है, दूसरे जो नहीं पूछ रहे हैं वो विद्वान बने हैं कि हमें तो आ गया सब, वो ऐसा शो करता है, लेकिन अगर आपको भी नहीं आया है और उन्हें भी नहीं आया जो नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन अगर आप पूछ लेंगे तो दो बातें होंगी, एक तो आपको आ जाएगा, ठीक है,
दूसरा आपकी शर्म आपकी झिझक दूर हो जाएगी, आगे भी आप पूछ सकेंगे। तीसरा वो जो मूर्ख हैं, जो मूर्ख ही बने रहना चाहते हैं, शायद उन्हें भी समझ में आ जाए, क्योंकि आपने जब पूछा तो बताया जाएगा दोबारा, तो जिसने पूछा है उसने दूसरों पर भी एक तरह का उपकार किया है। तो प्लीज ऐसे ही पूछते रहे, जैसे अभी मिताली ने शायद पूछा था या जिसने भी पूछा था। अब हम बात करते हैं जीएसटी क्रेडिट के लिए क्या क्या लेखे होते हैं। क्रेडिट का मतलब ये होता है बच्चों कि एक तरह जब आप परचेज करते हैं, एक्सपेंसेस पे करते हैं, तो आप इनपुट सीजीएसटी या एसजीएसटी या आईजीएसटी डेबिट कर रहे होते हैं, और जब आप इनकम प्राप्त करते हैं, जब आप सेल्स करते हैं, तो इन दोनों स्थितियों में आप आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी क्रेडिट कर रहे होते हैं। तो एक जगह पे डेबिट है, एक जगह पे क्रेडिट है। इनपुट का मतलब है कि आप ऑलरेडी सीजीएसटी का पेमेंट कर चुके हैं, उतने का पैसा सीजीएसटी का एसजीएसटी का आईजीएसटी का आप दे चुके हैं किसी को जो आपका क्रेडिटर था। अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो सरकार को उसे देगा या नहीं देगा। तो ध्यान से सुनिएगा, जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं और जो आपने किसी और से कलेक्ट किया है, उसको एडजस्ट आप कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लिया आपने 1000 रुपए का माल बेचा, प्लीज सुनिएगा ध्यान से, 1000 रुपए का आपने माल बेचा, उस पे जो जीएसटी की रेट है वो 10% है, अगर वो एसजीएसटी सीजीएसटी में बांटेंगे तो 5-5%, वैसे 10% बांट दीजिए, ठीक। आईजीएसटी पूरी 10% लगती है। तो अगर आपने 1000 रुपए का माल खरीदा तो आपने उस पर 100 रुपए जीएसटी दिया। इनपुट जीएसटी कितना हो जाएगा, मैं एक ही टर्म बोल रहा हूँ जीएसटी, उसमें आप सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी तीनों मान लीजिए, ठीक है। अगर राज्य के बीच में होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी, राज्य के बाहर होगा तो आईजीएसटी। आप इनपुट कितना करेंगे, ओवरऑल अभी हमारा इनपुट और आउटपुट पर जोर है, ठीक है। तो इनपुट जीएसटी कितना होगा, 1000 का 10% यानी कि 100 रुपया, ये आपने एडिशनली पे कर दिया है, आपके पास से 100 रुपए चले गए। वहीं पे आप दूसरा केस लीजिए, आपने मान लेते हैं 1200 रुपए का माल बेचा, ठीक है, उस पर 10% जीएसटी लगी और वो कितनी हो गई, 120 रुपए, तो वो आउटपुट जीएसटी कहलाएगी। सीजीएसटी एसजीएसटी राज्य के भीतर होने पर, राज्य के बाहर होने पर आईजीएसटी, लेकिन वो होगी कितनी, 120 रुपए ही। तो आउटपुट जीएसटी कितना हो गया, 120, इनपुट जीएसटी आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं कितना, 100 रुपया। तो अब सरकार को आपको नेट कितना पे करना रहेगा, 100 रुपया आप ऑलरेडी जीएसटी के अगेंस्ट दे चुके हैं और आउटपुट जीएसटी के तौर पे आपने 120 रुपए अपने परचेजर से कलेक्ट किए हैं। मतलब जब आउटपुट जीएसटी होती है तो आप उसे कलेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एडिशनली देता है ना देने वाला व्यक्ति, चाहे इनकम देने वाला हो, चाहे माल की आप जो बिक्री करते हैं तो उसका विक्रय का सेल्स प्राइस देने वाला हो, वो आपको जीएसटी की रकम एक्स्ट्रा देता है, तो वो आपने पहले से रिसीव कर लिया है। तो आउटपुट जीएसटी बेटा वो होता है जो आप कलेक्ट कर चुके होते हैं, और इनपुट जीएसटी वो होता है जो आप पहले से पे कर चुके हो। तो मान लिया हमारे एग्जाम्पल में हमने कलेक्ट किया था 120 रुपया आउटपुट जीएसटी और हमने पे किया था 100 रुपया इनपुट जीएसटी। तो अब हमें पहले तो इनको आपस में एडजस्ट करना पड़ेगा। हम एक एंट्री करेंगे और वो एंट्री आप यहाँ देख सकते हैं, इनपुट सीजीएसटी का आउटपुट सीजीएसटी से समायोजन करना, यानी कि एडजस्टिंग इनपुट सीजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी। कैसे करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी का जो नेचर है वो क्रेडिट होता है, उसे कर देंगे डेबिट। इनपुट सीजीएसटी का नेचर कैसा होता है, डेबिट, उसे कर देंगे क्रेडिट। और कितने से करेंगे, जितने की इनपुट जीएसटी की अमाउंट है टोटल। इनपुट जीएसटी की अमाउंट हमारे एग्जांपल में थी 100 रुपया, कितनी थी, 100 रुपया। तो आप समझिएगा कि मैं अभी जो एग्जांपल ले रहा था, ओरल बता रहा था, अभी मैं इसे एग्जांपल से क्वेश्चन से बता दूंगा। सॉरी, 100 रुपया ही है, इसे हटा देते हैं। ये हमारा 100 रुपया था, देखिए ये हमारा इनपुट सीजीएसटी हमने 100 से किया है क्योंकि हमने इतना ही पे किया था, ओके। और आउटपुट भी हम कितने से करेंगे, 100 से ही करेंगे। अच्छा, हम ये देखेंगे कि ये हमने 100-100 रुपए से कर लिया, तो हमारा इनपुट सीजीएसटी जो था वो खत्म हो गया, इतने से ही वो डेबिट था।
आउटपुट से जीएसटी जो था वो 120 से क्रेडिट था, लेकिन वो अभी 100 से ही डेबिट हुआ है। तो इसका मतलब है कि 20 रुपए अभी भी आउटपुट से जीएसटी ऐसा है जो देने के लिए रह गया है। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, इसके लिए हम इसका पेमेंट कर देंगे। तो हम यहाँ पर एंट्री करते हैं आउटपुट सी जी एस टी कितने से करेंगे, 20 रुपए से करेंगे। आउटपुट सी जी एस टी जो हमारा 120 से क्रेडिट हुआ था जब हमने विक्रय किया था, लेकिन हमने एडजस्ट इसमें से केवल 100 रुपए इनपुट सी जी एस टी के अगेंस्ट किया है। तो हम 20 रुपए आउटपुट सी जी एस टी के पे कर देंगे और टू बैंक अकाउंट के। ये मैंने केवल आपको सी जी एस टी का बताया, अब मैं पूरा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर इतनी बात समझ में आई है तो अच्छा, नहीं आई तो भी टेंशन मत लीजिए। मैं आपको यहाँ से पहले एंट्रीज बता देता हूँ, फिर एग्जांपल के जरिए बताऊंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। यहाँ आप इतना समझ लीजिए खाली कि आप आउटपुट सीजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी को एडजस्ट करने के लिए, अगर ये सीजीएसटी है तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट करेंगे, तो इनपुट सीजीएसटी जितना इनपुट सीजीएसटी रहा होगा उस रकम से ये एंट्री करेंगे। ध्यान रखिएगा, इनपुट सीजीएसटी जितना होगा उतने से ये एंट्री की जाएगी, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा कि इनपुट जो है, जो आपका आउटपुट सीजीएसटी होगा, आप पाएंगे कि जो आपका सीजीएसटी मान लिया इनपुट सीजीएसटी है वो अगर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, आप जितना पे कर चुके हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आउटपुट सीजीएसटी को आपने डेबिट किया है और इनपुट आईजीएसटी का आपने यहाँ पर यूज कर लिया है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि आपका जो इनपुट सीजीएसटी था वो 100 रुपए ही था और बाकी का ये 20 रुपए बचा हुआ है, तो आप इस आउटपुट सीजीएसटी के 20 रुपए को आउटपुट इनपुट आईजीएसटी से एडजस्ट कर लेंगे जो बचा हुआ है। देखो तीन आइटम है, ध्यान से सुनिएगा, एक आइटम है इनपुट सीजीएसटी, एक आइटम है इनपुट एसजीएसटी और एक आइटम है इनपुट आईजीएसटी। सबसे पहला नियम होता है कि इनपुट सीजीएसटी से आउटपुट सीजीएसटी को एडजस्ट किया जाए। उसके बाद में भी अगर आपका जो इनपुट मान लिया ये आपका जो सीजीएसटी है ये हो गया पूरा इनपुट, तो फिर एसजीएसटी को एडजस्ट करेंगे, आईजीएसटी को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपस में एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी किया गया और यहाँ आउटपुट सीजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी कर दिया गया है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आउटपुट सीजीएसटी की रकम नहीं बचती है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट किया जा सकता है, लेकिन पहले हम वन बाई वन एक एक यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आउटपुट सीजीएसटी में 20 रुपए बचे रह गए थे ना हमारे एग्जाम्पल में, ये 120 था, 100 ही एडजस्ट किए हैं, तो यहाँ इसे हम 20 से यूज कर लेंगे और बाकी जो होगा वो आउटपुट आईजीएसटी से या एसजीएसटी से यूज किया जाएगा। ये केस रहता है, अभी बहुत परेशान मत होइए, इतना खाली समझिए कि हमें इनपुट सीजीएसटी का आउटपुट सीजीएसटी से अगर एडजस्ट करना है तो रिवर्स उल्टा एंट्री करनी, और ये देखना है कि जितना हम पे कर चुके हैं उतना हम एडजस्ट कर ले और बाकी का जो एडिशनल पे करना रहता है केवल उतना पे करें। जैसे हमने कुल पे कर दिया था 100 रुपए और हमने कलेक्ट किया 120, तो हम 100 रुपए एडजस्ट कर लेंगे और फिर 20 रुपए नीचे जैसे मैंने आपको बताया उसे केवल पे करेंगे। ये केवल सीजीएसटी की बात की थी, मान लेते हैं एसजीएसटी में भी यही केस है तो 20 रुपए उसका भी हो जाएगा, आईजीएसटी में भी अगर 20 रुपए है तो कुल मिला करके 20 20 20 हम 60 रुपए बैंक अकाउंट में पे कर देंगे। देखिए नीचे यहाँ दिया गया है, इनपुट एसजीएसटी को सीजीएसटी के समायोजन की ही भांति इनपुट एसजीएसटी का भी समायोजन हम आउटपुट एसजीएसटी के साथ या शेष आउटपुट आईजीएसटी के साथ कर सकते हैं। इस लाइन को समझ लेंगे तो आपको शायद बात समझ में आ जाए, कहने की कोशिश की जा रही है समझ में शायद आएगा आपको। सीजीएसटी के समायोजन की ही भांति आपने सीजीएसटी का समायोजन किया है, सीजीएसटी दो तरह की है, इनपुट आउटपुट, इनपुट जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं, आउटपुट जो आपने कलेक्ट कर रखा है जिसे पे करना है आपने उसको एडजस्ट कर लिया इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट से, तो उसी की ही भांति आप इनपुट एसजीएसटी को आउटपुट एसजीएसटी से करेंगे। तो जो शेष आउटपुट आईजीएसटी रह जाएगा, आउटपुट आईजीएसटी जो रह जाएगा, अगर मान लिया इनपुट एसजीएसटी आपकी ज्यादा है तो जो शेष आउटपुट आईजीएसटी रह जाएगा, मान लिया इनपुट एसजीएसटी आपकी ज्यादा है आउटपुट एसजीएसटी कम है, तो इनपुट एसजीएसटी को आप एडजस्ट करेंगे आउटपुट एसजीएसटी से। अगर आउटपुट एसजीएसटी शॉर्ट पड़ता है तो आउटपुट आईजीएसटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये सारी चीजें एक तरफ आपने जो कलेक्ट किया हुआ है, चाहे वो आउटपुट
एसजीएसटी हो, चाहे वो सीजीएसटी हो, चाहे आईजीएसटी हो, वो है। दूसरा जो आपने ऑलरेडी पे कर रखा है सीजीएसटी के रूप में, एसजीएसटी के रूप में या आईजीएसटी के रूप में, उसको आप तो पहले से ही पे कर चुके हैं, आप उसको एडजस्ट करना चाहते हैं ताकि ये तय हो पाए कि नेट कलेक्शन कितना रह गया उतना आप सरकार को पे कर। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बारी बारी से पहले आप क्या करेंगे, सीजीएसटी इनपुट को सीजीएसटी आउटपुट से एडजस्ट करेंगे। अगर आउटपुट सीजीएसटी शॉर्ट पड़ती है तो आउटपुट एसजीएसटी यूज कर लेंगे, अगर आउटपुट एसजीएसटी भी शॉर्ट पड़ती है तो आउटपुट आईजीएसटी यूज कर एडजस्ट करने में। वही चीज इन्होंने बताई है, नीचे देखिए आउटपुट एसजीएसटी को डेबिट किया गया है। पहला तो नियम यही है कि आउटपुट एसजीएसटी को हम आउटपुट इनपुट एसजीएसटी के अगेंस्ट एडजस्ट करें, ठीक है। आउटपुट आईजीएसटी को इनपुट आईजीएसटी के अगेंस्ट ही एडजस्ट करें। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो आप देखिए यहाँ पर आप क्या करते हैं, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों को हम आउटपुट आईजीएसटी से भी एडजस्ट कर रहे हैं। इनके नाम अलग अलग हैं लेकिन पेमेंट तो गवर्नमेंट को ही किया है आपने, या पेमेंट गवर्नमेंट को ही किया जाना है। इनपुट जताता है कि आपने पेमेंट कर दिया है ऑलरेडी, आउटपुट दिखाता है कि ये कलेक्ट किया है आपने अपने दूसरे व्यक्ति से, किसी कस्टमर से, लेकिन अभी आपने ये दिया नहीं है। तो आप यहाँ पर एक तरह से लाइबिलिटी को असेट से एडजस्ट कर रहे हैं और नेट लाइबिलिटी निकालना चाहते हैं। और नेट लाइबिलिटी जब पता चल जाती है तो आपका जितना आउटपुट बचा रह जाता है, चाहे वो सीजीएसटी में, चाहे एसजीएसटी में, चाहे आईजीएसटी में, आप उसे डेबिट करके उसे भी खत्म कर देते हैं और बैंक अकाउंट करके आप उसका भुगतान। ये इंट्रीज हैं, टेंशन मत लीजिए। अगर ज्यादा नहीं समझ में आया, आप एग्जांपल से इसे समझेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको समझा सकूँ। ये यहाँ पर जनरल इंट्रीज दी गई है, इनमें अभी कहीं पर भी जीएसटी का जिक्र नहीं है। जहाँ जीएसटी का जिक्र शुरू होता है वो एग्जाम्पल तीन है, इसको आपको समझा देते हैं। ये देखिए उदाहरण नंबर तीन है, इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लाल एंड सन्स हैं, उनकी पुस्तकों में आपको लेखा करना है और ये मानते हुए कि सीजीएसटी एसजीएसटी 9%, तो यहाँ पर ये दोनों 9% माने जाएंगे, इसमें 4.5% नहीं करेंगे, ठीक है। वह लिखा है ना सीजीएसटी एसजीएसटी, अगर केवल होता कि जीएसटी 9% है तो आधा आधा, ठीक। तो सबसे पहले काम है नेहा ब्रदर से 5,000 का माल क्रेडिट किया है, पहली एंट्री सभी लोग ध्यान से समझेंगे, नहीं समझ पाने पूछेंगे। नेहा ब्रदर से 5,00,000 का माल क्रेडिट किया है तो परचेज अकाउंट 5,00,000 से डेबिट होगा, कोई समस्या है इसमें। नेहा ब्रदर से खरीदा है तो नेहा ब्रदर से खरीदने पर ये कैश ट्रांजेक्शन होगा या क्रेडिट ट्रांजेक्शन? सर क्रेडिट ट्रांजेक्शन, नाम दिया गया तो क्रेडिट हो गया है ना, तो नाम लिख देंगे टू नेहा ब्रदर्स, लेकिन रकम इसमें बाद में लिखेंगे। अब हम इस परचेजेस पे 9% की दर से जीएसटी लगाएंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी। क्यों? क्योंकि इसमें ये कहीं नहीं लिखा कि आपने नेहा ब्रदर्स जिनसे खरीदा ये कहीं दूसरे स्टेट के हैं, ठीक है, तो मानेंगे कि उत्तर प्रदेश के ही है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। तो 9% लगाएंगे 5,00,000 का, 45,000 आएगा सीजीएसटी में और 45,000 इनपुट एसजीएसटी में। इन तीनों अमाउंट का टोटल जो होगा वो 5,90,000 होगा, वो नेहा ब्रदर्स के सामने लिखा जाएगा। ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, 45 के सामने लिखा है, ये कहाँ लिखा जाएगा, एक स्टेप एक लाइन नीचे लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 5,90,000 किसके सामने, नेहा ब्रदर्स के सामने वाली लाइन में, कोई समस्या। नरेशन क्या होगा इसका, फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम नेहा ब्रदर्स विद जीएसटी एट द रेट, चाहे तो लगाए चाहे तो ना लगाए, इतना ही लिख देंगे चलेगा। बीइंग की जगह आप लोग बच्चों फार शब्द का इस्तेमाल करेंगे, एफ ओ आर, ठीक है। वो इसलिए बीइंग में 5 अक्षर लगते हैं, फार में 3 अक्षर लगते हैं, जहाँ थोड़े से काम चले वहां ज्यादा के चक्कर में नहीं पड़ते, फार लगाएंगे। दूसरी बात, अगला ट्रांजेक्शन क्या है, नारायण एंड कंपनी को 8,00,000 का माल बेचा है, तो नारायण एंड कंपनी को जब 8,00,000 का माल बेचेंगे तो सबसे पहले सेल्स में 8,00,000 कर देते हैं क्रेडिट, कोई समस्या। इस पे 9% लगाइए तो 8,72,000 सीजीएसटी आउटपुट और ऐसे ही आउटपुट एसजीएसटी 72,000, इन तीनों पर टोटल 9,44,000 नारायण एंड कंपनी डेबिट हो जाएंगे, फॉर गुड सोल्ड टू नारायण एंड कंपनी विद जीएसटी। एनी प्रॉब्लम इन दीज टू एंट्रीज? ओके, तीसरा स्टेशनरी। अब ये एक्सपेंस है, देखिए क्रय और विक्रय हमने समझ लिया जीएसटी के साथ, अब हम एक्सपेंस को समझ रहे हैं। स्टेशनरी चेक द्वारा क्रय की, स्टेशनरी एक खर्चा है, खर्चे को डेबिट करते हैं हमेशा
तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट किया 4000, इस पे जीएसटी लगाएंगे 3660, और पेमेंट किया है ना हमने चेक से, तो चेक से पेमेंट करने पर बैंक अकाउंट आता है हमेशा, ठीक। तो टू बैंक अकाउंट किया, पेमेंट टोटल गया होगा कितना 4720, ठीक। फॉर स्टेशनरी परचेज्ड विद जीएसटी, विद जीएसटी जरूर लिखेंगे, यहाँ ये भूल गए हैं, आप लिख लेंगे अपनी किताब में, लिख लीजिए अगर नहीं लिखा हुआ। फिर फर्नीचर खरीदा है कितने का, 5 लाख का, तो यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, फर्नीचर डेबिट 5,45,100, 50,000 का फर्नीचर है, सॉरी, तो 50,000 का फर्नीचर हो गया, तो 4,500 यहाँ पर, नहीं गलती हो गई है, नीचे ही 5 लाख का ही है फर्नीचर, तो आप यहाँ पर अमाउंट सुधार लीजिए, यहाँ पर इसे 5 लाख कर लीजिए, और इस 5 लाख का जब आप निकालेंगे 9%, तो आप पाएंगे कि ये 45,000 आएगा, ठीक है। तो 45,000 और 5 लाख इक्वल मिला करके 5,90,000 से ट्रांजेक्शन होगा, अमाउंट सही कर लीजिएगा, 5,90,000 फॉर फर्नीचर परचेज विद जीएसटी। एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं 8,000 का, तो 8,000 का 9% लगाएंगे, 720 जीएसटी एसजीएसटी में 9,940 इतना पेमेंट जाएगा, तो टू कैश अकाउंट में टोटल आएगा फॉर पेमेंट मेड फॉर एडवर्टीजमेंट विद जीएसटी, ठीक। इतनी बात क्लियर है। अब यहां तक कि हमने सारी एंट्रीज तो कर ली हैं, लेकिन हमें इसमें एडजस्ट करना था जीएसटी को, तो उसकी एक एंट्री यहां पर मैंने आपको बताई है, हम जोड़ लेंगे इनपुट जीएसटी एसजीएसटी ओवरऑल कितना कितना से डेबिट हुआ है अलग अलग एंट्रीज में, पाएंगे 50,880 इनपुट सीजीएसटी है, इतना ही एसजीएसटी होगा, उसे हम यहाँ क्रेडिट करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी डेबिट कर देंगे, ये एडजस्टमेंट की एंट्री है।